वही माननीय बहन जी कहती थी, चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बे, समता आवाज टीवी और आवाज भारत। आज जो माननीय सतीश चंद्रा जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, आज उनका मंडलीय स्तरीय मैत्रीपूर्ण मंडलीय स्तर का जो मीटिंग था, महारैली थी, आज उसका शुरुआत आज से है। और ये इस महीने के 29 तारीख तक अलग अलग जगहों पे, यूपी के अलग अलग जगहों पे मंडलीय स्तर की बैठक होगी। जिस एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, जो कि पूर्व में भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अब बीएसपी में शामिल हुए हैं और हमारे बीच में हैं, पूर्व बीएसपी प्रभारी एमपी आज़ाद जी पूर्व बीएसपी प्रभारी, साथ में मोहम्मद असलम जी है और साथ में आपका विकास जी, जो कि तमाम जो कि बीएसपी पार्टी के जो पदाधिकारी यहां पे मौजूद हैं। आज की जो रैली हुई है, किन किन विषयों पे रैली रखी गई थी, आज हम उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। और वहां के जो माननीय सतीश मिश्रा जी ने जो मंच के द्वारा जो मैसेज दिया है, क्या क्या दिया है और क्या आगामी जो चुनाव है 2022 का, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से बीएसपी? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय भीम। और आज सहारनपुर के अंदर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी रैली थी। और रैली में तीन विधानसभाओं की रैली थी, जो रिजर्व कैटेगरी की विधानसभा है, सहारनपुर, पुरकाजी और रामपुर मनिहारन। बहुत अच्छी रैली रही, बहुत लोग आए, आज ज्वाइनिंग भी की भीम आर्मी के, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग की है वहाँ पे। और ममता शिवा है, उन्होंने ज्वाइनिंग की है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग की वहाँ पे। ये सिलसिला चल रहा है बहुत दिन से और नौजवान साथी आ रहे हैं। नौजवान साथी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करें, तो अभी रास्ता मिला है तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और आज दमदार रैली हुई है, बहुत बड़ी रैली हुई है और आज शुरुआत थी रैली की। और पूरे देश, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में जा जाकर रैली करेंगे वो, जितनी भी रिजर्व सीट हैं उन पर रैली करेंगे जा जाकर। और ये अच्छा संदेश जा रहा है, और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो नेतृत्व है और उनकी जो गाइडलाइंस है, उस पर काम कर रहे हैं सब लोग, बहुत मतलब उत्साह से काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली 2022 में सरकार चेंज होगी। एमपी आज़ाद जी, जैसे कि मीडिया में ये खबर भी जा रही थी कि अभी तक बहन जी अभी शांत हैं, अभी तक कोई रैली नहीं हुई थी कोई, अभी आप क्या लगता है भविष्य में? सबसे पहले तो मैं आप सभी को समता आवाज़ टीवी, आवाज़ भारत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं देखता हूँ कि पूरे देश में आप लोग फोन कर रहे हैं, और तमाम भोजन मीडिया दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने कहा रैली माननीय बहन जी ने अभी 9 अक्टूबर को लखनऊ में की थी, तो लोग रैली करते तो वहाँ रैला हुआ था। तो माननीय बहन जी एक बार जब निकलती है तो लाखों ने, दसियों लाख लोग उनको सुनने के लिए हर समय, एक ट्वीट पर लाखों लोग सुनते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारा काम भगदड़ वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पर दिखावे का काम नहीं, हमारा काम है बूथ का, हमारा काम है नीचे स्तर का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी शोषित दलितों वंचितों की पार्टी है। तो हमारा दिखावे का काम नहीं है, जो भी काम है हमारा निश्चित तौर पर नीचे तक है और बेहतर। जैसा कि आपने कार्यक्रम देखा, आज ये पहला कार्यक्रम स्टार्टिंग हुआ सहारनपुर की धरती से, पावन भूमि, वीरों की भूमि से स्टार्ट हुई। आपने देखा कितना रैली, कितने घंटे जाम लगी रही माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, जो कार्यक्रम शुरू हुआ है तो आज से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मंडल बाय मंडल चलता रहेगा। तो आज बहुजन समाज पार्टी, देखा आपने कितने लोग ज्वाइन हुए थे, तमाम माताएं बहनें, तमाम युवा, तमाम पार्टियों से या संगठन से लोग आए थे, इतने छुटमलपुर से बहुत से लोग आ गए थे, सब्बीरपुर कांड वाले बहुत से लोग आ गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दहशत बनी हुई सरकार को देखते हुए, और वो चाहते हैं कि ऑप्शन आना चाहिए। और माननीय बहन जी का जब लाइन ऑर्डर को देखता है, माननीय बहन जी की जब कानून व्यवस्था को देखता है, तो सबसे पहले किसी भी आप व्यक्ति से, एक्स वाइज़ेड किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि शासन किसका अच्छा है, वो चाहे भले किसी और पार्टी का व्यक्ति हो, वो एक ही बारे में कहता है माननीय बहन जी से बढ़िया कोई शासन नहीं है। पार्टी बेसिस कहीं बट गए, कहीं हो गए, तो आज देख रहे हैं आप, मैं अभी सुबह निकल रहा था यूपी गेट से, तो कम मुझे लग रहा 11-12 महीने हो गया, किसान अभी किसान भाई इतना बड़ा अभी भी आंदोलन में बैठे हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोल तो दिए हैं कि हम वापस लेंगे, लेकिन वापस कैसे लेंगे, वो आज तक जितने बोल के आए सब झूठे वादे साबित हुए हैं। तो जब तक पार्लियामेंट में राज्यसभा में बिल पारित नहीं होता है, तब तक उसको पक्का नहीं माना जाएगा। इसलिए किसान भाई सब बैठे, हम लोग सब समर्थन में रहते हैं, और किसान चूँकि हम लोग सब किसान ही हैं, खेती करते हैं, किसान हैं हम लोग, कोई उद्योगपति नहीं है ना, तो अंबानी अड़ानी के नौकर भी नहीं है,
तो हम लोग क्या है जो जितना शोषित समाज है हमारा गिरा है या छोटा कर्मचारी है या तमाम ऐसे जो वंचित लोग हैं, माननीय बहन जी उसी पैटर्न में काम करती है और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं माननीय बहन जी ने, तो उसको विस्तार पूर्वक अगर बताएं तो कई घंटे लगेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लखनऊ में जाए या तो आप नोएडा में देखें, तो तमाम ऐसी धरोहर जो इतिहास को खड़ा कर दिया है। और परमपूज्य बाबा साहब कहते थे मानव काशीराम साहब के रास्ते पर चले कि जिनका इतिहास नहीं होता है वो कौम खत्म हो जाती है। तो माननीय बहन ने इतिहास खड़ा किया है और वो बहुत ही शोभनीय है और बहुत तारीफ काबिल है, इसलिए माननीय बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। विश्व में 10 जो विश्व प्रख्यात 10 लेडी में से माननीय बहन जी एक है। उनकी मीडिया जो है बहन जी के जो कारनामे पे आज तत्काल की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, वो इनके द्वारा जो बहन जी के द्वारा जो किए गए कार्य है, आज की जो मीडिया है उनकी जो गोदी मीडिया है वो दिखा रही है कि योगी जी जाकर के फीता काट रहे हैं, कहीं इसका हाईवे का, कहीं कुछ विद्यालयों का, के ये माननीय बहन जी के इसमें थे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो बहन कुमारी मायावती जी ने कार्य किए हैं उनको मीडिया क्यों दिखाएगा? क्योंकि मीडिया बिका हुआ मीडिया है, मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर मीडिया दिखाएगा तो लोगों को पता लगेगा कि बहन कुमारी मायावती ने एजुकेशन पे कितना काम किया, मेडिकल पे कितना काम किया, रोजगार पे कितना काम किया, बहुत सारा काम किया। हाईवे सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने बनाया। आप देखें यूनिवर्सिटी किन्होंने बनाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बहन कुमारी मायावती ने, जिलों के नाम बहन कुमारी मायावती ने 23 जिले बनाए, 23 जिलों के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल बनाए और उनके यहाँ जिला न्यायालय बनाया, सब कुछ बहन कुमारी मायावती ने किया। बहन कुमारी मायावती का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता, अगर कोई तोड़ सकता है तो वो बहन कुमारी मायावती उनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो ये लोग नहीं दिखाएंगे, हमारी जो मीडिया वो सोशल मीडिया है। अभी माननीय सत्यजन मिश्रा जी ने कहा कि सोशल मीडिया को बढ़ाएं, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब प्रकार से आप कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जो बहन जी की जो मीटिंग्स होती हैं, बहन जी जो बोलती हैं उनको घर घर पहुंचा सकते हैं, बहन जी के जो काम है, अभी बहन जी ने बोला था कि भाई जो हमने काम किए हैं, एक फोल्डर निकाल रही हूँ, 8 पेज का फोल्डर निकाला था बहन कुमारी मायावती ने, उस फोल्डर में सब काम है, जितने भी काम करें, चाहे वो एजुकेशन पर काम करें, मेडिकल पर काम करें, सब लोगों पर काम किया। आज जो रैली थी सहारनपुर में बहुत महत्वपूर्ण रैली थी, आपने देखा होगा सहारनपुर में सब्बीरपुर कांड हुआ था, तो आज सब्बीरपुर के भी लोगों ने बहुत मतलब भारी तादाद में पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो आस्था है वो बहन कुमारी मायावती में आस्था है, हमारी जो आस्था है वो बहुजन समाज पार्टी में आस्था है, हम लोग 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और बहन कुमारी मायावती को पांचवी बार सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, और मानव काशीराम साहब में आस्था है, सब लोगों में आस्था है जो भी सब बात कर रहे हैं, क्योंकि मानव काशीराम साहब की जो पार्टी है ये ऐसी नहीं बन गई है पार्टी, ये बहुत लोगों की कुर्बानी के बाद बनी है। और सहारनपुर के लिए ही बहन कुमारी मायावती ने पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफा दिया था, आपने देखा होगा जब बहन कुमारी मायावती को सहारनपुर मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया था तो बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि जब अपने लोगों की मैं आवाज़ नहीं उठा सकती हूँ तो ऐसी संसद में रहने का कोई फायदा नहीं है, तो बहन जी ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था, या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था, बहन कुमारी मायावती ने इस्तीफा दिया था, सहारनपुर के लोग ये बात जानते हैं। और सहारनपुर के एक एक व्यक्ति ने आज ये प्रॉमिस किया है, ये वादा किया है कि बहन कुमारी मायावती को यहाँ से जिताकर भेजेंगे, जो भी व्यक्ति लड़ेगा हमारा जो कैंडिडेट होता है वो हाथी होता है, हाथी पर वोट दबाएंगे और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये बात आज स्टार्ट हुई है और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी मंडल मंडल जाकर ये बात समझाने का काम कर रहे हैं। पहले भी प्रबुद्ध समाज की उन्होंने मीटिंग की थी, अब एससी एसटी की जो सीटें हैं उन पर काम करने का काम कर रहे हैं, तो ये पूरा सिलसिला चल रहा है और बहुत जल्दी एक ऐसा माहौल बनने वाला है। मीडिया कह रहा है कि इनके टक्कर में नहीं है, मीडिया कभी हमको टक्कर में नहीं दिखाता है, क्योंकि मीडिया टक्कर में इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि वो बिका हुआ मीडिया है। आप गाँव में जाके पूछिए, आप गरीब आदमी से पूछिए, जब पता लगेगा कि हम टक्कर में नहीं कर 2007 में भी इन्होंने बोला था कि आप टक्कर में नहीं हो, मगर 2007 में पूर्व बहुमत की सरकार आई थी, 2007 से लेकर 2012 तक जो शासन हुआ है जनता देखती है उस शासन को कि आए शासन, वो वहाँ कोई परेशान नहीं था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग वहाँ पर खुश थे। एजुकेशन मीडिया में आप देखा है, एजुकेशन में कितना काम किया बहन कुमारी मायावती ने, जीरो बैलेंस पर बच्चों का एडमिशन हुआ करते थे, मगर आज करा के देखिए पढ़ाइए बच्चों को, नहीं पढ़ा सकते। आज तो ठोको सरकार चल रही है, ठोक दो जिसको भी चाहो, हर 10 मिनट में एक रेप होता उत्तर प्रदेश के अंदर। आप कहते हैं कि ऐसे सरकार चलानी है, सरकार ऐसी नहीं चलती है, सरकार लोगों के लिए न्याय के लिए सरकार चलती है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो सरकार आएगी, अच्छी सरकार आएगी, बहन कुमारी मायावती की सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार चाहिए अगर शासन अच्छा चाहिए तो। एमपी आज़ाद जी, एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपने शहर में एंटर किया, वहाँ पे इतनी बड़ी मतलब महारैली थी, आपने कहीं होल्डिंग या बहन जी का कोई ऐसा कहीं देखा आपने, फिर भी इतनी भीड़ आई हुई थी? देखो ऐसा
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है माननीय बहन जी का, जैसे देखा आपने ट्विटर चलता है तो आज जो सोशल मीडिया हमारी इतना एक्टिव हो गई है तो होर्डिंगें तो खैर बहुत सी थी और होर्डिंग वाला कोई क्वेश्चन बनता नहीं क्योंकि सोशल मीडिया जब एक्टिव हो गए, आप जैसे लोग हमारे एक्टिव हो गए, आज मुझे लग रहा है कि माननीय अपने सुजीत भाई एडवोकेट साहब ने लगभग 50-60 मीडिया के कर्मी, हमारे जो बहुजन मीडिया है उनको इकट्ठा करके पार्टी में वर्क दिया, वर्क सौंपा कि आपकी जो जिसकी पार्टी का आप बात कर रहे हो कम से कम वो जाने दो। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया, माननीय सत्यजीत मिश्रा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप लोग काम कीजिए और मैं आसानी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आप सोशल मीडिया से स्ट्रीम मीडिया में जाएंगे, आप गवाह हैं उसी दिन की बात है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे सोशल मीडिया नहीं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे बैनर पे होर्डिंग पे पैसे खर्च, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो लोग दिखावे के लिए काम करते हैं वो पेट्रोल पंप पे आपने देखा ना होर्डिंग लगी होती मुस्कुराती हुई, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मैसेज क्या जाता है, तो वो तो अकेले मुस्कुरा रहे हैं होर्डिंग में, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा, किसान कहाँ जा रहा, तेल के हिसाब देखा आपने तो बेरोजगार के देखिए, तो ये जो जो होर्डिंग फोर्डिंग वाला काम है ना ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको दिखावा है, जिन्हें किया कुछ नहीं है दिखावे। हमारा काम जो है सोशल मीडिया से मेन, एक बार मैसेज पास हो गया और हमारे कार्यकर्ता इतने, माननीय बहन जी के समर्थक इतने हैं, उनका तो खाली मैसेज चला जाए तो आपने देखा ना छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक लोग आए कि बहुजन समाज पार्टी एक आस्था का प्रतीक है, मानवर साहब का ये खून पसीने की बनाई हुई पार्टी, तमाम महापुरुषों के तमाम पूर्वजों का ये इतिहास बनाया गया, इस पार्टी ने उनको जीवित किया और पूर्वजों का इतिहास को जिंदा रखा, तो ये ऐसे नहीं जाना, ये मिशन है पार्टी के, पार्टी तो बाद में, ये मिशन है और मिशन एक फीताक्रमिक समझ लीजिए वो चलता ही रहता है, आज यहाँ आए अप डाउन हो सकता है। ठीक है, एक मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका क्या भागीदारी है जो आगामी जो चुनाव है उसमें क्या उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक समाज है वो अपने आप को 10 साल से ठगा और उपेक्षित महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिल में डर का माहौल है, वो पिछली पाँच साल की सरकार में भी डरता रहा है और इस 5 साल की सरकार में भी डर रहा है, वो अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है, अपने समाज को अपने बच्चों को एक सुरक्षित जीवन देना चाहता है, आज के जो माहौल में उसको समाज के लोगों से अलग करने का एक टारगेट सिस्टम बना दिया गया है, जहाँ पर टोपी और दाढ़ी वालों को देखा जाता है वहाँ पर कोई ना कोई ये कह देता है कि नहीं नहीं, उसको एक अलग थलग स्थिति में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन बहन जी ने हमेशा सर्व समाज के लिए काम किया, बहन जी एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती हैं, जो बाबा साहब ने सपना देखा था उस बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए एक समतामूलक समाज, इस समाज और हिंदुस्तान के तमाम आवाम को एकता के सूत्र में बांधना चाहती हैं, उसका एक मैसेज अगर कोई दे सकता है तो आदरणीय बहन जी दे सकती हैं, इस समाज को, इस उत्तर प्रदेश को, युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को अगर कोई सक्षम और लॉ एंड ऑर्डर दे सकता है तो ये उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम दुनिया और भारत के लोग जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई भारत में और उत्तर प्रदेश में लागू कर सकता है, तमाम समाज के लोगों को अगर कोई सुरक्षा दे सकता है वो सिर्फ आदरणीय बहन जी हैं और कोई नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं और तमाम सम्मानित साथियों से और अपने समाज के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आप अपने को और अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी पर वोट करना चाहिए, बहन जी को अपना नेता स्वीकार करना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, अन्यथा लोग दंगों और आपके बच्चों को पीछे खड़ा कर देंगे और कहीं ना कहीं प्रोटोगुंडा में खड़ा कर देंगे, इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार बहन जी पर विश्वास करिए, बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो समतामूलक समाज पर चलेगा, तमाम समाज के लोगों को न्याय और भागीदारी देने की बात जो बहन जी करती हैं उस पर वो काम करेंगी। आज के रैली से क्या मैसेज जाता है देश? देखो, मैसेज ये जाता है कि शुरुआत हो चुकी है और आज सारंगपुर को बनाया है, सबसे पहले स्थान बनाया है कि सारंगपुर से शुरुआत करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में ये लहर चल रही है कि अब की बार बसपा की सरकार, 22 में बसपा की सरकार, क्योंकि लोगों ने जो योगी जी का शासन था वो देख लिया है कि कितना लोगों को यहाँ परेशान किया गया है, रोजगार नहीं मिल गया है, झूठी सरकार है, जो वादे करती है वो वादों को बिल्कुल भी उन पर अमल नहीं करती है, जहाँ प्रधानमंत्री हो जहाँ योगी जी हों, इसलिए बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं वो करती हैं, ये उनका वादा है। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर में तो उनका नंबर वन है, लॉ एंड ऑर्डर में तो कोई उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सारे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है
कि 2022 में हमें अपने आप को सुरक्षित करना है तो बहन कुमारी मायावती को इस प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बहन कुमारी मायावती पांच बार मुख्यमंत्री नहीं बनी तो नौजवान भी पिटेगा, जवान भी पिटेगा, किसान भी पिटेगा, सब पिटेंगे और ना ही बहन बेटियों की हम मतलब सुरक्षित हो पाएगी। तो अगर अपने बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो बहुजन समाज पार्टी को ही विकल्प के रूप में चुनना पड़ेगा। जो मीडिया कहती है कि बहुजन समाज पार्टी रेस में नहीं है, उस मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया तैयार हो चुका है। सोशल मीडिया घर घर में जाकर उस मीडिया का मुकाबला करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि मीडिया दो महीने के लिए जो गोदी मीडिया उसको देखना ही बंद कर दीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया देखें, बहन कुमारी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्हीं से मैसेज जाएगा। और मन बना लीजिए कि अब की बार बसपा सरकार, अब की बार बसपा सरकार। क्या मतलब कि जो आज की जो महारैली जो हुई है उससे क्या लोगों का क्या मैसेज है? देखो मैसेज जैसा कि बड़े भाई बता ही चुके हैं कि एक लहर बन चुकी है, बहुजन समाज पार्टी की लहर बन चुकी है। और पूर्व में समाजवादी पार्टी सरकार देख रहे हैं, भाजपा की तो झेल ही रहे हैं इस समय है। तो ना तो ये गाय पे सही से फिट बैठे, ना तो चाय पे सही फिट बैठे और ना तो ये भगवान के हो पाए। अभी अयोध्या बना नहीं, मथुरा जा रहे हैं, तो हम तो इनको क्या बताएं, इनके झूठों को मंडी लगाए रखी है ऊपर से नीचे तक, इनको काम है झूठ बोलना। मान्या बहन जी एक अनुशासित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसा नहीं वो जो कहती हैं वो करती है। पहली बात उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, लेकिन वो उनका कोशिश यही रहती है कि मैं रोजगार दूँ। तो आज से स्टार्ट जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम तो लगभग चल रहे, पहले जिला वाइज थे, मंडल वाइज हो रहे, तो आज से ये आगाज हो गया है। और युवाओं ने ठान लिया है, माता बहनों ने ठान लिया है कि 2022 का चुनाव, आने वाला चुनाव जो है, अब वही माननीय बहन जी कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर, अब बटन दबेगा हाथी पर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।